दैट इज कंप्लीशन। जैसे आप इसमें देख रहे हैं एक पजल है, उस पजल का लास्ट पीस जुड़ने से वो पजल कंप्लीट हो जाती है, वैसा सा ही इसमें दिख रहा है। और अगर आप देखें तो इसमें एक फेस आ रहा है बनके, और फेस पे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मुस्कुराहट है, बहुत काम और सीरीन एक्सप्रेशंस हैं। सो ये लास्ट पीस है जिग्सो पजल का, कैसा लग रहा है, मिसिंग पीस ऑफ द पजल वाज प्लेस्ड, और वो क्या था, आपका थर्ड आई या इनर परसेप्शन, जो हर चीज के फ्लो को चेंज कर देता है। इन मोमेंट्स में हम पूरी पिक्चर देख पाते हैं, हर छोटी से छोटे टुकड़े को हम बहुत गहराई से देख पाते हैं और वो हमारा अटेंशन ले लेता है। इसको कंप्लीट करते हुए या तो हम पूरी तरह से डिस्पेयर में हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन खत्म नहीं होनी चाहिए, एंड दिस हैपेंस विद आवर साइकल्स आल्सो, कि हम लाइफ की किसी सिचुएशन में होते हैं और हमें लगता है वो चलती रहे, वो खत्म ना हो। तो जब हमें लगता है वो साइकिल कंप्लीट होने लगी है तो उस चीज को लेके एक डिस्पेयर भी रहता है। और फिर वो, लेकिन एक फैक्ट और है कि वी शुड बी ग्रेटफुल एंड रेडी टू एक्सेप्ट कि कुछ नई शुरुआत भी होगी। एक कोई चीज अगर एंड हुई है तो वहां से शुरुआत भी होती है। तो जो कुछ भी अब्सॉर्ब कर रहा है आपका टाइम और एनर्जी, वो अब कंप्लीट हो गया है, और उसे कंप्लीट करने के बाद वो स्पेस आप खाली कर दीजिए, क्योंकि अब कुछ नया आने को है। तो ये इंटरवल जो है, इसे आप सेलिब्रेशन के लिए यूज कीजिए, पुराने के जाने की खुशी मनाइए और नए के आने की, या नए कोई चीज की शुरुआत से पहले जो एक्साइटमेंट होता है उसे सेलिब्रेट कीजिए। नाउ ओशो की टीचिंग्स क्या है रिलेटेड टू दिस? अब दिस इज द वे ऑफ ज़ेन, के चीजें नॉट से थिंग्स टू देयर कंप्लीशन। इसको समझने के लिए देयर इज अ कंप्लीट मेथोडोलॉजी। हर चीज आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उसे पूरा करें, और ऐसा माना जाता है कि सारे आंसर्स इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि मास्टर ने हमें एक ही डायरेक्शन दिया है। जब तक हम वहां उस लिमिट तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, इसका पूरा हिस्सा तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा रह जाएगा। अब इस तरीके से अगर आप ज़ेन को इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने का एक सीधा सा तरीका है कि कुछ ना कुछ, कुछ पोर्शन आपके लाइफ साइकिल का कंप्लीट होता है तो वो जगह खाली करनी है, एंड यू हैव टू मेक स्पेस फॉर समथिंग टू कम। सो इट इज इन अ वे सेइंग के चेंजेस होंगे, one thing would be completed, चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी। फॉर इंस्टेंस, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, देन देयर कम्स अ फेज वेयर दे आर सेटल्ड सक्सेसफुल। उसके बाद जब उतनी अटेंशन नहीं मिलती है तो देयर इज अ टाइम वेन वी हैव दैट मिक्स फीलिंग ऑफ डिस्पेयर ऑल्सो, कि शायद छोटे में ज्यादा अच्छे थे, एटलीस्ट हमारे साथ थे, हमारे पास थे, बट देन दे हैव देयर ओन जर्नी। सो वंस यू अलाउ देम टू मूव अहेड, यू क्रिएट प्लेस फॉर समथिंग न्यू टू हैपन। नाउ व्हाट इज दिस न्यू हैपनिंग इज, दे आर क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ, और आगे बढ़ते हैं, दे क्रिएट समथिंग न्यू एंड देन यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। सो वन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एवरी चेंज दैट इज देयर happening in life. Then, इसका जो final card है, देखिए ओशो ज़ेन में एक चीज आप हमेशा मान के चलिएगा, राइडर वेट्स में 22 cards है, ओशो ज़ेन में मेजर आर्काना में 22 नहीं 23 cards है।
फूल जीरो से स्टार्ट होता है, कंप्लीशन 21 कार्ड है विच मेक्स इट 22, लेकिन एक और कार्ड ऐड किया है विच इज द मास्टर कार्ड. सो दिस हैज अ लॉट टू से. मास्टर जेन का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को ओवर पार करना या दूसरों का मास्टर बन जाना, बट एक्चुअली इट मीन्स टू मास्टर वन ओन सेल्फ. ये मास्टरी हर जेस्चर में रिफ्लेक्ट होती है, हर शब्द में. जरूरी नहीं है कि ऐसा इंसान टीचर हो जिसके पास कुछ अपना इम्पार्ट करने के लिए हो या सुपर नेचुरल मैसेंजर हो, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो एक एग्जाम्पल बन जाए दूसरों के लिए कि जहां से आप आगे बढ़ने का रास्ता देख पाए. नाउ इन द आईज ऑफ अ मास्टर, एक डिसाइपल क्या करता है, वो अपना खुद का ट्रूथ जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी खुद की सच्चाई. तो इन द साइलेंस ऑफ मास्टर्स प्रेजेंट द डिसाइपल कैन फॉल मोर इजिली इनटू द साइलेंस ऑफ हिज ओन बीइंग. क्योंकि मास्टर अगर हर डायरेक्शन बताता जाता है तो डिसाइपल फॉलो करना सीखता है, अपना खुद का रास्ता चुनना नहीं सीखता. तो जब जब मास्टर नहीं होता है, दैट इज द टाइम व्हेन डिसाइपल अपने अंदर झांकता है, अपने खुद के साइलेंस को एक्सप्लोर करता है. जो कम्युनिटी है सीकर्स की, जो मास्टर के अराउंड अराइज करती है, वहां पे एक एनर्जी फील्ड है जो हर यूनिक इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है. एक बारी अगर ये लाइट डिसाइपल को मिल जाती है तो जो मास्टर है वो सिर्फ फिर एक कैटलिस्ट का काम करता है, उस पूरे रिएक्शन को प्रमोट करता है. इनर अवेकनिंग के लिए बस कैटलिस्ट वाला काम मास्टर के हाथ में, बाकी सारा खुद ब खुद हो जाता है. नाउ उस और ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं. इसके बारे में ओशो क्या कहते हैं कि मास्टर्स आपको सिखाते नहीं है, ना तो सच्चाई सिखाते हैं, क्योंकि सिखाने का तो कोई तरीका ही नहीं है, ये तो एक ट्रांसमिशन है. अगर आपको बोले कि मास्टर्स टीच यू द ट्रूथ, नो दे कैन नॉट, दिस इज जस्ट अ ट्रांसमिशन. और ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, एनर्जी के थ्रू. एनर्जी सिंक्रोनाइज होती है एंड दैट इज हाउ. सी इवन आई यूज वर्ड्स टू कम्युनिकेट, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो किसी एक को भी हिट कर जाता है, इफ इवन अ सिंगल पर्सन स्टार्ट्स फॉलोइंग इट, तो वहां पे क्या हुआ, दैट एनर्जी वर्क, वो सिंक्रोनाइजेशन हो गया. तो यू हैव द अप्रोच द मास्टर विथ ग्रेट लव, ग्रेट ट्रस्ट एंड ओपन हार्ट. क्योंकि कई बारी हम खुद भूल जाते हैं कि ये सारी कैपेसिटी हमारे अंदर है, और जिसको इस चीज का पता रहता है दैट पर्सन इज अवेयर. एक कैटरपिलर को कभी नहीं पता होता कि वो एक बटरफ्लाई का रूप ले लेगा, तो कैटरपिलर को बोधिसत्व माना गया है. वन हु कैन बिकम अ बटरफ्लाई, या ऐसा जो कि बुद्धा बन सकता है. और स्टार्ट जब हमने ओशो ज़ेन किया था तो वी स्टार्टेड विद द बिलीव कि एवरीवन इज अ बुद्धा. तो हमें करना क्या है, बेसिकली वी हैव टू लुक विद इन आवर सेल्फ. This whole journey of Major Arcana, which has been completed now, Major Arcana की पूरी journey आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलती आई है, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर की knowledge को निकालिए, उसे उभारिए. Because everything is inside, you only have to learn to look within. और इसमें कोई logic use नहीं होता. It, they say that people learn from their mistakes, but Osho says ki people become crystals with their mistakes. So the entire teaching is different. Iske saath hum complete karte hain Osho Zen cards ki major arcana ki journey. Madam,
यस सर। मास्टर्स कार्ड थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझा दें कि मैंने सपोज इट कम्स इन अ रीडिंग सो व्हाट शुड आई टेल द क्लाइंट। सी सर, मास्टर कार्ड अगर रीडिंग में आता है तो इसका मतलब आपके क्वेरेंट ने या तो वो इस प्रोसेस में है कि वो खुद के मास्टर बनने वाले हैं। दैट मीन दैट पर्सन हैज लर्नड अ लॉट फ्रॉम लाइफ, या फिर वो मास्टर बन चुके हैं। तो ये आपके क्वेरेंट की क्वालिटी को दर्शाता है। अगेन We will learn a lot when this card comes in a spread. तो spread में जब ये card आता है तो किस position पे आता है उस हिसाब से इसका meaning change हो जाता है। अच्छा, okay madam, right, I understand. Right. Thank you, madam. Ma'am, आपने बोला कि आप ये पूरी 23 cards का summary है अपने अंदर झांकिए, learn to look within. एंड आपने कुछ और बोला मैम, बिफोर यू सेड पीपल बिकम क्रिस्टल्स विद देयर मिस्टेक्स, एक और सेंटेंस कुछ सर। देखिए, एक टीचिंग होती है वेयर दे से के पीपल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। ओशो का कहना है पीपल बिकम क्रिस्टल्स बाय कमिटिंग रेगुलर मिस्टेक्स। सो देयर इज अ डिफरेंस इन टीचिंग एंड देन व्हेन यू लुक इनसाइड यू हैव ऑल योर आंसर्स विद इन योर सेल्फ ओनली। बस खुद से कनेक्ट करने की देर है। द डे यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ दैट डे यू फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। मैम, जब भी हमारे कोई कार्ड की डेरिवेशन मतलब आता है या हमारा उसमें, तो हमें जो है उस कार्ड को किसी भी क्वेरेंट को मतलब ओशो टीचिंग के हिसाब से बताना है या उसकी इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से बताना है, मतलब हम कैसे कोरिलेट कर पाएंगे, हमें ये चीज क्लियर कम हो रही है। देखिए, इसमें क्या है, आप सारे कार्ड्स को अपनी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे बताओगे। ओशो की टीचिंग आपको इस कार्ड को बेहतर समझने के लिए है, वो दूसरों को बताने के लिए नहीं है। नाउ सपोज